गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज थर्ड सी। इससे पहले के वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर वन का ए टू एफ हमने सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर वन का जी से जे तक एंड क्वेश्चन नंबर टू का ए सॉल्व करेंगे। जी 2438 इंटू 3609, ठीक है। 2438 मल्टीप्लाई 3600 प्लस 9, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, वही 2438 को हम 3600 से और एक बार 2438 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फर्स्ट 2438 को हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं, 0 को 8 से करा 0, 0 को 3 से करा 0, 0 को 4 से करा 0, 0 को 2 से करा 0, अगेन 0 0 0 0, ठीक है। 6 को 8 से करते हैं हम 48, कैरी 4, 6 थ्री 18, 18 प्लस 4 22, कैरी 2, 6 4 जाए 24, 25 26, कैरी 2, 6 2 जाए 12, 14, ठीक है। थ्री को 8 से करते 24, कैरी 2, 3 3 जो 9, 10 11, कैरी 1, 3 4 जो 12 और एक 13, कैरी 1, 3 2 जो 6 और एक 7, इसका हम करते प्लस 0 0 8, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 4 5 6 7, 7 और एक 8, 8776800। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करने पर मिला है 8776800, ठीक है। प्लस अब हम 2438 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2438 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइन एट जा 72, कैरी 7, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4, 27 प्लस 7, 34, कैरी 3, 9 4 जा 36, 37, 38, 39, कैरी 3, 92 जो 18, 90, 20, 21, 21, 9, 4, 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे को मिला है 21, 9, 4, 2, ठीक है। अब हम 8, 7, 7, 6, 800 को 21942 से प्लस कर लेते हैं। 2 4 8 + 8 = 16 और 17, कैरी 1 6 7 और 8 7 8 9 7, 8, हमारा आंसर क्या है 87 98 7 4 2, ये हो गया हमारा आंसर। H 2979 into 4000,
ठीक है, इसको मैं सही से लिख सकता हूँ 2979 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले 2979 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कर लेते मल्टीप्लाई, 4 9 36 कैरी 3, 4 7 28 29 30 31 कैरी 3, 4 9 36 37 38 39 कैरी 3, 4 2 8 9 10 11, ठीक है। हमें मिला 1191 6, इसको मल्टीप्लाई करना हमें 1000 से, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिखेंगे 1191 6 और 1000 के 30 पुट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर 1,19,16,000 I 14239 × 3600 14239 × 36 × 100 14239 को हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 54 कैरी 5, 6 3 18 18 + 5 23 कैरी 2, 6 2 12 13 14 कैरी 1, 6 4 24 25 कैरी 2, 6 6 7 8 मल्टीप्लाई, 3 9 27 कैरी 2, 3 3 9 10 11 कैरी 1, 3 2 6 1 7 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4 इन सब का हम करते हैं प्लस 4 7 + 3 10 कैरी 1, 4 1 5 4 1 6 7 5 12 कैरी 1, 8 9 10 11 कैरी 1, 5 5 1 2 6 0 4 अब हम 5 1 2 6 0 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 2 6 0 4 और लास्ट में 20, ये हो गया हमारा आंसर। जे 4 4 9 7 × 9000 4 4 9 7 × 9 × 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 = 63 कैरी 6, 9 9 = 81 + 6 = 87 कैरी 8, 9 4 = 36 + 8 = 44 कैरी 4, 9 4 = 36 + 4 = 40 40 × 473 × 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 40473 और पीछे 30, ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ
क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर एंड चेक योर आंसर्स। आपको क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर करने हैं और आपको चेक करना है आपका आंसर सही है या गलत है। उसके लिए आपको दे रखा है कि क्वेश्चन इनटू डिविजन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेड, ये फॉर्मूलाज है। ए दे रखा है आपको 68345 डिवाइडेड बाय 35। 35 से डिवाइड करके देखते हैं। सिक्स एट थ्री फोर फाइव, ओके। फर्स्ट ऑफ 35 टू जो 72 होता है तो 35 बन गया 35। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 3 3, अगर उतारा 3। अब हम 35 टू जो 70, 35 पे 8 जो देखते हैं एक बार, 35 7 जो देख लेते हैं, 5 7 जो 35, कैरी 3, 7 3 जो 32, 22 22 24, 9 लेके देखते हैं, 5 9 जो 45, कैरी 4, 27, 28, 29, 30, 31, 315, ठीक है। हम 9 लेंगे, 35 9 जो 315, 35 9 जो 315, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 13 8, 2 माइनस 1 1, और 4 का 4। अब लेंगे हम 35 5 जो 35 5 जो होते हैं हमारे, 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 3 जो 15, 16, 17, 175। में से 175 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आता है 14 माइनस 5 9, 7 माइनस 7 0, ये उत्तर 5। 13 5 2 जा 17, 5 देन 2, ठीक है। तो हमारा क्यू तो आ गया 952 और R आ गया हमारा 25, ठीक है। इसको हम साइड में लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इस जगह, Q हो गया हमारा 1952, R हो गया हमारा 25। अब आता है चेक पे कि हमारा आंसर, चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। लिखते हैं चेक, चेक करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूलाज दे रखा है, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ये वाला फॉर्मूला उतारना पड़ेगा, क्वेश्चन स्प्लिट टू डिविजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेड। अब देखिए, आप फॉर्मूला उतारने के बाद देखते हैं क्वेश्चन है हमारा 1952, 1952 मल्टीप्लाई डिविजर होगा हमारा 35 प्लस रिमाइंडर हो गया हमारा 25, ठीक है। अब 1952 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1952 मल्टीप्लाई 35, 5 टू जो 10 कैरी 1, 5 फाइव जो 25 26 कैरी 2, 5 9 जो 45 46 47 कैरी 4, 5 फाइव जो 5 प्लस 4 9, 3 टू जो 6, 3 5 जो 15 कैरी 1, 3 9 जो 27 28 कैरी 2, 3 1 जो 3 4 5 0 12 कैरी 1, 7 और 1 8,
8 plus 5 13, carry 1, 9 9 18, carry 1, 6, 6 8 3 2 0. 6 8 3 2 0 में हम ये 25 प्लस करते हैं, फाइव फोर थ्री एट सिक्स, ये हमारा आ गया डिवाइडेड। हमारा डिवाइडेड यही दे रखा है 6 8 3 4 5 6 8 3 4 5, सो हमारा आंसर सही है।